मेरा नाम है एल के कांतेश। सर, ये जो फिल्म है इसका मुहूर्त है, इसके बारे में बताएंगे आप क्या है? ये फिल्म एक इशू है, सोशल इशू। सोशल इशू मतलब जैसे कि हमारा ये जो महाराष्ट्र सरकार ने बार बंद किए, उसके बाद में बार में जो नाचने वाली वो कहाँ गई, क्या कर रही हैं, उसमें एक लड़की है जिसका नाम है गंगा, ये उसकी कहानी है। किरदार में बात कीजिए, कौन कौन है? और मेरी फिल्म में सुरभि शुक्ला गंगा के रोल में है, विक्रांत आनंद शिवा के रोल में है जो उसका हीरो है फिल्म का, विलेन है अवधेश मिश्रा जी, और दूसरा सेकंड फीमेल विलेन है इसमें कुछ मतलब साधना सिंह, कुछ जो एक सोशल मतलब एलिमेंट्स ऐसा एक कैरेक्टर है जो साधना सिंह प्ले कर रही हैं। उसके बाद सोमेश अग्रवाल जी हैं जो चौबे के रोल में हैं, और पदम सिंह जी हैं जो माया, जो मेरी मेन फीमेल विलेन कह सकते हैं, उनका राइट हैंड। चांदनी बार भी फिल्म आई थी, तो इसमें क्या फर्क चांदनी बार में इसमें बहुत अंतर है। चांदनी बार मतलब कैरेक्टर प्लस एक रियल लाइफ दिखाई गई थी इसमें? नहीं, चांदनी नहीं, वैसा कुछ नहीं है। ये क्या है कि एक लड़की जब यहाँ से निकलती है, ये सोच करके निकलती है अपने शहर से कि मतलब वो अब अपने घर जाएगी, गांव जाएगी, अब नाचेगी नहीं वो, क्योंकि उसका नाम है गंगा और गंगा वो अपने आप को गंगा की तरह पवित्र मानती है। कुछ इस तरह का जो कैरेक्टर करेक्टर हैं वो सब मार्केट लेवल पे हैं कि नहीं, ऐसा मतलब नहीं मुंबई है, का दिखाया गया पूरा मूवी? मुंबई का नहीं दिखाया गया इसमें। क्या है कि मुंबई का कुछ कल्चर नहीं है, लेकिन सर बाहर तो कल्चर जो है डांस बार वगैरह कल्चर मुंबई सिटी का है। मुंबई सिटी में वो लड़की पल करके बड़ी हुई, उसके हालात उसको जो है ना नाचने पर मजबूर करते हैं, इसलिए वो नाचती है। और उसका वो इसलिए नहीं नाचती, वो किसी समझौते से या मतलब किसी ऐसे कारण से नाचती है कि नहीं, उसको किसी जबरदस्ती से लाया गया, ऐसा नहीं है। उसके अपने हालात, उसकी अपनी खुशी से वो नाचती है, लेकिन वो अपने आप को बेचती नहीं है। टाइटल की अगर बात की जाए तो फिल्म का टाइटल है गंगा के लाज। कौन लाज बचाता है? लाज गंगा किसको के बचाता लाज, गंगा के लाज का मतलब सिर्फ ये है कि अभी इसमें मैंने इसमें पैरेलल मतलब जो मेरा हीरो है वो गंगा पोल्यूशन पर काम करता है किसी एनजीओ के जरिए, तो मैंने उससे उसको रिलेट किया है। हमारा जो टाइटल है गंगा के लाज, मैंने उससे उसको रिलेट किया हुआ है इस तरह से हमारी कहानी का। है? गंगा और ये गंगा जो गंगा बार में नाचती थी, बार में नाचने वाली गंगा अपने आप को गंगा की तरह पवित्र मानती है, इसलिए वो उसने कभी भी अपना सौदा नहीं किया। फिल्म में आइटम सॉन्ग होता है, इसमें कुछ ऐसा मसाला है? फिल्म में आइटम सॉन्ग ऐसे नहीं कि मतलब आइटम सॉन्ग तो है, लेकिन हमारी जो ज़रूरत है, जैसे कि हमारी हीरोइन बार में नाचती थी तो बार का गाना है तो आइटम जैसा है। उसके बाद में हालात उसको एक मोड़ पर ले आते हैं जहाँ पर उसको नाचना पड़ता है, और वो भी एक आइटम सॉन्ग जैसा ही है। तो ऐसे दो आइटम सॉन्ग हैं, टोटल कितने गाने हैं इसमें? टोटल 8 गाने हैं फिल्म में, 8 गाने हैं। एक भजन है इसमें, एक रोमांटिक है, एक सीड्यूसिंग है, सैड सॉन्ग है, टाइटल है। म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? म्यूजिक डायरेक्टर है विक्रांत माथुर, गाने किस किसने गाए हैं? कल्पना ने गाए हैं, और शालिनी और सारिका ने गाए हैं, और विक्रांत और विनीत ने गाए हैं। अवधेश जी क्या किरदार है इसमें? अवधेश जी का किरदार एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर का है जो किसी पार्टी में पार्टी कोऑर्डिनेटर है, जो टिकट देता है अपने जो जो उसकी पार्टी में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, या मतलब वो ऐसे लोगों को चुनकर टिकट देता है जिससे उसकी पार्टी का जो है ना आगे प्रोग्रेस हो। तो ये एक ऐसा किरदार है और बहुत ही मतलब मजबूत किरदार है मेरी इस कहानी का। सर, आपको नहीं लगता कि राम त्रिगंगा मैली से थोड़ा मैच कर रहा है आपकी स्टोरी के राम साथ? क्योंकि त्रिगंगा मैली वही गंगा के ऊपर स्टोरी है, वही बार वही एक नाचने वाली नहीं, है, हमारी और कहानी राम गंगा मैली जैसी नहीं है। कुछ कुछ लग रहा है इसमें, कुछ अंश है ऐसे? अंश मतलब अंश तो देखिए हम इसी समाज में रहते हैं और हमें प्रेरणा इसी समाज से मिलती है। मतलब ये कैसे है, भागवत चौधरी का किरदार अवधेश जी कर रहे हैं? भागवत चौधरी का किरदार मतलब भागवत चौधरी, अब नहीं ऐसे मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी फिल्म में किरदार थोड़ा सा अलग है। ये कब तक आने वाली है? ये फिल्म मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जून तक कंप्लीट हो जाए रिलीज के लिए। हम्म।